उत्तर प्रदेश में किसका जलवा? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और ऐसे में सभी एजेंसीज सर्वे कर रहे हैं हर एक स्टेट का सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश 80 सीटें लोकसभा की और इसके अंदर भी सर्वे लगातार हो रहा है। यूपी की 80 सीटों में बाजी कौन मारेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है इस बार मिशन 80 हमारा सक्सेसफुल होगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है यूपी में, ऐसे में यूपी में किसका जलवा दिखेगा? आप देख सकते हैं मेट्राइज ने सर्वे किया है, इस सर्वे के आधार पर सीटें, वोटिंग परसेंटेज और बीजेपी, इंडिया और बसपा, इसमें एक थर्ड ऑप्शन बसपा की भी है, बहुजन समाज पार्टी, इसलिए क्योंकि मायावती कह चुकी है कि ना मैं इंडिया के साथ हूं ना एनडीए के साथ हूं, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी, इंडिया और बसपा की दिलचस्प लड़ाई में कौन बाजी मार रहा है वो देखने वाली बात है और मैं आपको इस सर्वे में बताऊंगा। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसका जलवा बरकरार रहने वाला है। क्या यूपी में, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए के पास है, क्या वही आंकड़े एक बार फिर रिपीट होंगे 2024 के इलेक्शन में, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको सर्वे जो बता रहा हूं ये मेट्राइज का सर्वे उत्तर प्रदेश में किया गया, यूपी के अंदर किंग कौन, सीटें टोटल 80 है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सीटें जाती दिख रही है, यानी कि मिशन 80 तो बोला था बीजेपी ने, यहां पर 2 सीटें कम हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, 78 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 58% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिल सकता है। इंडिया अलायंस की बात करें, 2 सीटें सिर्फ इंडिया के पास, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब मिलकर लड़ रही है वहां पर, और ऐसे में इंडिया अलायंस के पास सिर्फ 2 सीटें। इससे पहले जब चुनाव हुए थे लोकसभा के 2019 में, तब एनडीए के पास 80 में से 79 जो 79 सीटें वो गई थी और 1 सीट विपक्ष के खाते में आई थी। इस बार 1 सीट बढ़ता दिख रहा है, हालांकि अनुमानित सीट है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये फिलहाल मेट्राइज के सर्वे में आंकड़े सामने आए हैं। 32% इंडिया के पक्ष में वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। बसपा की बात करें, जो थर्ड पार्टी में आपको बता रहा था, बसपा के पास 0 सीटें, यानी कुछ भी नहीं आ सकता, बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा लोकसभा के चुनाव में, ऐसा कहना है मेट्राइज का, और वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 8, यानी मायावती को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सुपड़ा साफ है लोकसभा चुनाव में मेट्राइज के सर्वे में। अब ये हो गए टोटल सीटें और वोटिंग परसेंटेज जो कि मेट्राइज ने किया। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर एक तरफा सीटें क्यों मिल रही, क्यों अकेले बीजेपी जो है, चाहे वो कई ऐसे रीजन है, कई ऐसे जो रीजन सामने आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी एक तरफा जीतती दिख रही है हर एक सर्वे में उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले भी जीती, तो यहां पर कई ऑप्शन है। वजह है, पहला जो वजह है वो है योगी का कामकाज, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 36% आबादी कहती है कि वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से बहुत खुश है और 36% वोट योगी के कामकाज को। दूसरे में बात करें सुशासन और राशन योजना, उत्तर प्रदेश में सुशासन को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है वो बहुत ही सुशासित जो व्यवस्था है वो है, सुशासन का प्रदेश है। और राशन योजना की बात करें तो इन दोनों को मिला के देखें तो 26% यूपी की जनता कह रही है कि ये वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में एक तरफा जीत रही है। तीसरा रीजन, डबल इंजन की सरकार, यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार को 12% वोट। चौथा, विपक्ष में खटास, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर विपक्ष की बात करें, अपोजिशन की बात करें, वहां पर सीटों की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, कई ऐसी बातें आ रही हैं सामने यूपी के अंदर विपक्ष में कि बातें नहीं बन रही। आपने देखा होगा सपा के साथ आरएलडी की बात, जयंत चौधरी की पार्टी खटास में चल रही थी, इधर कांग्रेस की बात चल रही थी खटास में, और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहां पर 10% है विपक्ष में खटास का वोटिंग परसेंटेज। बीजेपी की योजना, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में चल रही है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर जो लागू हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, उसके हिसाब से 8% यूपी की जनता कहती है कि ये वजह है कि यूपी में एक तरफा बीजेपी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इसे 6% और अन्य 2% कहते हैं, यानी कि ये कुछ मुख्य कारण है, वजह है, जिसकी वजह से यूपी की जनता कहती है कि यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जलवा चल रहा है और यही जलवा आगे कायम रहने की जनता उम्मीद भी कर रही है। आगे बात करें अगर इसमें, तो जो मैंने आपको सीटें बताई थी, आप देख सकते हैं पहले 79 सीटें आई थी 2019 में जब रिजल्ट आया, इस बार एक कम हुआ, लेकिन सिर्फ आंकड़ा एक अनुमानित है, यानी कि सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, इसको हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते, ये जब रिजल्ट आएंगे तभी देखने को मिलेगा कि ये आंकड़े जो मेट्राइज ने किए ये सही होते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इंडिया और बसपा के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि सुपड़ा यूपी में साफ होता दिखा। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताया हमें भी कि क्या लगता है ये जो आंकड़ा है यही उत्तर प्रदेश का रिजल्ट होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।